शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 4 वर्क एफिशिएंसी रेशियो। बच्चों इसमें रेशियो के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज होंगे। मैंने वैसे ही आप लोगों को टाइप 3 में मतलब प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोगों को रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, वही रेशियो के कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होंगे। ओके बच्चों अब इस टाइप में तीन टाइप की वैरायटी क्वेश्चन देखेंगे, जैसा पहला है वर्क एफिशिएंसी रेशियो, सेकंड होगा प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस एंड थर्ड होगा टाइम रेशियो। ओके सो क्लास अभी शुरू करते हैं वर्क एफिशिएंसी रेशियो के साथ। बच्चों इसमें रेशियो के जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं वो मैंने प्रीवियस चैप्टर के स्टार्टिंग ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके आई होप आपको पता होंगे। सो बच्चों देखिए क्लास वर्क एफिशिएंसी रेशियो मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपको बोला गया द वर्क एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3, इट मींस दैट ए कैन डू 2 वर्क इन 1 डे देन बी कैन डू 3 वर्क इन 1 डे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर वर्क एफिशिएंसी रेशियो आपको दिया हुआ है ए इज टू बी का 2:3 तो वो आपका रेशियो मतलब भी क्या है वर्क पर डे, मतलब ए का वर्क पर डे कितना हो जाएगा 2, मतलब ए एक दिन में 2 इंटे लगाएगा, सो बी एक दिन में कितनी लगाएगा 3। क्या बोला मैंने, अगर वर्क एफिशिएंसी रेशियो दिया होगा तो जो भी रेशियो है वही मेरा क्या है वर्क पर डे, सो ए का वर्क पर डे 2, बी का वर्क पर डे 3। सो बच्चों अगर ए एंड बी ने साथ में काम किया तो बताइए एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ये हो जाएगा 2+3 यानी 5 वर्क पर डे। यहां तक क्लियर? अब सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूं क्लास कि आपके घर में 2 वर्कर्स है ए एंड बी, यही वाले हैं जो एक दिन में 2 लगाता है और बी एक दिन में 3 लगाता है। क्लास इन दोनों ने 10 दिन काम किया तब काम कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो क्या आप गेस कर सकते हो क्या कि उन्होंने कितने इंटों का काम किया? आपने थोड़ा सोचना चाहिए। बताइए ये दोनों मिलके एक दिन में 5 इंटों का काम करते हैं और मैंने कहा कि 10 दिन के बाद काम कंप्लीट हुआ, इसका मतलब टोटल और कितना हो जाएगा, एक दिन का 5 पूरा काम किया 10 दिन मतलब 50, ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। और अगर मैं बोलूं आपको कि बच्चों यही टोटल वर्क अगर ए ने अकेले ने किया तो कितने दिन में करेगा, सो आपका आंसर कितना आएगा, 50 ईंटें है एक दिन में 2 लगाता है सो 50 ईंटें कितने दिन में लगाएगा 25। सो आई कैन से ए अलोन कितने दिन में करेगा टोटल वर्क 50 ईंटों का और ये एक दिन में लगाता है 2 मतलब 25 दिन में काम कंप्लीट होगा। बच्चों ये इतने ही ओरल क्वेश्चन वर्क एफिशिएंसी रेशियो में आते हैं बट डेफिनेटली इनका भी कुछ एक लेवल 2 लेवल 3 होगा, हम वो सारे क्वेश्चंस अभी इस आने वाले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। ओके बच्चों ये भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं सो इसके तरफ भी ध्यान दीजिएगा। ओके शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स इस टाइप का हमें सबसे पहले क्या पता चलेगा, इसकी स्टेप क्या होगी कि हमें सबसे पहले क्या देना निकालना पड़ेगा रेशियो। रेशियो मतलब ये होगा हमारा वर्क पर डे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे टोटल ओवर डिवाइड बाय क्वेश्चन यू गेट सॉल्यूशन। ओके आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट व्हाट आई सेड, सबसे पहले हमें वर्क एफिशिएंसी रेशियो क्या है वो देखना पड़ेगा, वही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा वर्क पर डे। फिर हमें कोई कंडीशन दी ही होगी जो बताएगी कि ए एंड बी ने पूरा काम 10 दिन में किया, जहां ऐसे बताया हुआ है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा टोटल वर्क, फिर टोटल वर्क किसको करना है मतलब डिवाइड बाय क्वेश्चन यू गेट सॉल्यूशन। ओके हैव पेशेंस, हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे। ओके सो स्टूडेंट्स एक छोटा सा पॉइंट बताना है आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन वर्क एफिशिएंसी रेशियो एंड टाइम रेशियो। बच्चों एक बात याद रखना हमेशा, वर्क एफिशिएंसी रेशियो इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम रेशियो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं ए इज टू बी का वर्क एफिशिएंसी रेशियो है 2:3। ओके सो बच्चों टाइम रेशियो क्या हो जाएगा ए इज टू बी का, इसका उल्टा कर दीजिएगा मतलब क्या हो जाएगा 3:2। ओके इसे मैं क्या लिख सकता हूं सीधा सीधा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, राइट। सो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ये एग्जैक्टली क्यों होता है, कैसे होता है, टाइम रेशियो कैसे पहचानना, वर्क एफिशिएंसी रेशियो कैसे पहचानना, ये सारी बातें आप लोगों को जो मैं पढ़ाने वाला हूं टाइम रेशियो की प्रॉब्लम्स उसमें डिटेल में होने वाली है। ठीक है, बस आपको इतना मुद्दा याद रखना है कि वर्क एफिशिएंसी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम रेशियो। आई कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट, चलो उसको भी सुन लीजिए प्रूफ क्या है। बस एक बात बताइए, 2 वर्कर्स है आपके पास, दोनों वर्कर्स के सामने एक काम है करने के लिए, अगर कोई वर्कर ज्यादा काम कर रहा है एक दिन में मतलब वो काम जल्दी खत्म करेगा,
और अगर एक वर्कर कम काम कर रहा है इसका मतलब वो ज्यादा दिन लेगा काम कंप्लीट होने के लिए। सो बच्चों क्या बोल सकते हैं, अगर काम ज्यादा कर रहा है तो टाइम कम लगेगा कंप्लीट होने को, अगर काम धीरे धीरे कर रहा है तो काम कंप्लीट होने को टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब काम कम तो टाइम ज्यादा, काम ज्यादा तो टाइम कम। इसलिए बोला जाता है कि वर्क एफिशिएंसी रेशियो और टाइम रेशियो के साथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्लियर, बाकी बातें हम लोग जब टाइम रेशियो में जाएंगे तब करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:5। इतना ही लिखने में समझ में आ चुका है, प्लस मुझे वर्क एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है ए इज टू बी का, दैट इज 2:5। इसका मतलब क्या है कि ए का वर्क पर डे कितना हो जाएगा 2 और बी का वर्क पर डे कितना हो जाएगा 5। इतना तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क। ओके सुनिए आराम से, देखो ओरली भी सॉल्व होता है। बच्चों वर्क एफिशिएंसी रेशियो दिया, वही हमारा क्या हो गया वर्क पर डे, मुझे पता चल गया एक दिन में 2 घंटे लगाता है और बी एक दिन में 5 घंटे लगाता है। फिर मुझे क्या कहा गया कि पूरा काम किसने किया हुआ है, ए ने। कितने दिन में किया हुआ है, 10 दिन में। तो बच्चों टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए पूरा काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। सो 2 × 10 मतलब 20, ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। और उसके बाद क्या पूछा कि यही वर्क बी अकेला कितने दिन में करेगा। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, दैट इज 4, क्योंकि बी एक दिन में 5 सीटें लगाएगा, उसे मैंने दे दिए 20 सीटें, तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 4 दिन में। आगे में वो क्या पूछ रहे हैं, एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर, सो अगर ए एंड बी ने साथ में काम किया तो एक दिन में लगाएंगे 7 सीटें, देयरफॉर 20 सीटें कितने दिन में लगाएंगे, डिवाइड बाय 7, दैट इज 7 × 2 = 14, रिमाइंडर 6। सो आंसर 2 6/7 इज क्लियर। तो बच्चों इसमें भी लेवल क्या हाई होगा सर, तो देखिए हमें यहां स्पेसिफाई कर दिया कि ये रेशियो है। अब बच्चों हमें रेशियो लेते हुए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, कंपैरिजन करके हमें पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, कैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी कैन डू अ वर्क टूगेदर इन 10 डेज, ए इज 1/3/5 टाइम्स एज एफिशियंट एज बी, The same job can be done by B alone. ठीक है, क्या बोला गया स्टूडेंट्स, सबसे पहले बोला है A एंड B पूरा काम करते हैं 10 दिन में, सही। अब उन्होंने मुझे सीधा रेशियो नहीं दिया, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया that A is 1/3/5 times as efficient as B. So बच्चों ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, 5 × 5 = 3 = 8, सो ये A, ये नीचे आ गया B, ये कितना हो जाएगा 8/5, ये मेरा कौन सा रेशियो हो गया वर्क का। सो बच्चों जो रेशियो होता है वो मेरा क्या होता है वर्क पर डे। सो बच्चों मेरा वर्क पर डे कितना हो जाएगा 8 वर्क पर डे ए का, और बी का हो जाएगा 5 वर्क पर डे, सही है। हमारे दो स्टेप्स हो गए, सबसे पहले रेशियो, रेशियो मतलब ही वर्क पर डे, उसके बाद स्टेप क्या आ रही है, क्या निकालना है टोटल वर्क। ए एंड बी पूरा काम 10 दिन में करते हैं, बहुत सरल बात है ये, एक दिन में ए एंड बी मिलके 8 + 5 लगाएंगे 13 ही थे, और 10 दिन में काम कंप्लीट हुआ है मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 दिन में मतलब 130 घंटों का काम किया होगा उन्होंने। अब आपको क्या पूछा गया दैट बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, सो बच्चों बी अलोन 130 किसको करना था 5 वर्क पर डे, डब्ल्यू कैंसिल, सो आंसर क्या जाएगा 26 डेज। सो बच्चों स्टेप्स क्या, एक बार वापस रिवाइज करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है रेशियो, रेशियो मतलब हो गया हमारा वर्क पर डे, फिर हमें क्या पता चल गया टोटल वर्क, टोटल वर्क डिवाइड बाय क्वेश्चन यू गेट सॉल्यूशन। अब इसके अलावा कंपैरिजन कैसे कैसे हो सकता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मीरा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, वीरा इज 25% मोर एफिशिएंट देन मीरा, the number of days taken by Veera to do the same piece of work is, बच्चों जो statements दिए मीरा total काम कितने दिन में करने वाली थी 20 दिन में, फिर बोला गया जो वीरा है वो मीरा से 25% more efficient है। जब भी comparison percent में होता है, मैंने video already upload कर चुका हूँ, percentage में जब भी comparison होगा जिसके साथ compare होगा उससे हमेशा 100% consider करते हैं।
सो बोला है वीरा इज 21% मोर एफिशिएंट देन मीरा. सो बच्चों अगर मीरा को पकड़ लेता हूं 100% एफिशिएंट है. सो बच्चों जो वीरा होगी उससे 25% मोर एफिशिएंट है, मतलब कितना जाएगा 125. इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4/5. जो रेशियो होता है वही मेरा वर्क पर डे होगा. मतलब बच्चों मेरा मीरा का वर्क पर डे कितना होगा 4 वर्क पर डे और वीरा का कितना होगा 5 वर्क पर डे. मुझे क्या मिल गया रेशियो, रेशियो मतलब हो गया वर्क पर डे. बच्चों इसके बाद क्या बोला है पूरा काम मीरा कितने दिन में कर सकती है 20 दिन में. पर मीरा एक दिन में कितने घंटों का काम करती है 4 घंटों का. सो 20 दिन में कितने घंटों का काम किया होगा. सो हम लोग क्या निकालेंगे टोटल वर्क, वो कैसे पता चलेगा 20 दिन इनटू 4 मतलब आंसर कितना आ जाएगा मेरा 80 घंटों का. सो बच्चों टोटल वर्क कितना आ गया 80 वर्क है ना. वो पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वीरा टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क. सो बताइए वीरा का वर्क पर डे कितना है 5. सो आंसर क्या आ जाएगा 80 वर्क अपॉन 5 वर्क पर डे. सो आंसर हो जाएगा 16 डेज. क्लियर. सो बच्चों ये एक तरीका हो गया. एक तरीका और भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था वर्क और टाइम के बारे में. बच्चों आपको मैं बता चुका हूं दैट वर्क एफिशिएंसी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम. जब वर्क ज्यादा करोगे तो टाइम कम लोगे, अगर वर्क कम करोगे तो टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा. ठीक है बच्चों एक बात बताइए हमारा वर्क एफिशिएंसी रेशियो ऑफ मीरा एंड वीरा कितना आ गया था 4/5. सही है ये रेशियो है वर्क एफिशिएंसी रेशियो. अगर मैं इनके टाइम के रेशियो की बात करूं किसके मीरा और वीरा के तो ये इनवर्स हो जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा. सो कितना हो जाएगा 5/4. सही है मतलब मीरा और वीरा का टाइम का रेशियो क्या है 5:4 और मुझे मीरा कितना टाइम देती है पूरा वो बताया होगा दैट इज 20 डेज. तो मीरा के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 20 अपॉन मीरा 5/4 5 4 4 4 16 मतलब मीरा काम करेगी 16 डेज में. समझ में आया. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ए इज थ्राइव्स एज अ गुड वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट अ हाफ वर्क इज. ओके सुनिए कैसे करेंगे. सबसे पहले देखो थ्राइस शब्द आया हुआ है यानी ए इज थ्राइस एज अ गुड वर्कमैन एज बी यानी ए अपॉन बी का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 3:1. रेशियो मतलब हो जाता है वर्क पर डे मतलब ए का हो गया 3 वर्क पर डे और बी का हो गया 1 वर्क पर डे. ओके आगे बोला है टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज. सो बच्चों टोटल वर्क कैसे पता चलेगा जब ए प्लस बी साथ में 14 दिन काम करते हैं. एक दिन में इनका मिला के होगा 4, इन्होंने काम किया 14 दिन मतलब 56 ईंटों का टोटल वर्क है. ओके फिर हमें पूछा है बी अलोन कैन कंप्लीट हाफ वर्क. ये जो वर्क है ये टोटल वर्क है. हाफ वर्क कैसे आएगा बच्चों 56 का हाफ तो जब 56 का हाफ कितना होता है 28 मतलब 28 वर्क कितने दिन में करेंगे पूछा है. बच्चों बी अलोन बी अकेला एक दिन में कितने लगाता है एक ईंटे तो 28 ईंटे कितने दिन में लगाएगा वो 28 दिन में. तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 28 डेज. क्लियर. अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं. अब तक कंपैरिजन में सिर्फ दो लोग आए थे ए बी मीरा वीरा है ना. अगर इसमें भी तीन लोग आए तो कंपैरिजन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए If the ratio of work efficiency of A and B is 3:5, साथ में लिखते चलते हैं. Work efficiency ratio की बात हो रही है बकायदा. A is to B का ratio बताया हुआ है 3:5. And that of B and C is 2:5. B and C का ratio बताया हुआ है 2:5. If C can complete a work in 2 days, we'll write here. C पूरा काम 2 दिन में complete करता है. In how many days the same work be completed by A alone? मुझे पूछा है कि A alone वही वर्क कितने दिन में करता है. जब मैं डेटा लिख लेता हूं मुझे क्वेश्चन को 10 बार देखने की जरूरत नहीं बचती. ठीक है जितना क्वेश्चन को कम देखोगे उतना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा टाइम वेस्ट नहीं होगा. ठीक है बच्चों देखो मैंने बताया हुआ है ए बी बी सी इनका मुझे सबसे पहले एक रेशियो बनाना पड़ेगा. उसके लिए मैंने क्या बताया था ज़िगज़ैग मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और बी बी यहां सेम होना चाहिए. सो बच्चों क्या लिखिए देखो ए इज टू बी इज टू सी बी बी है यहां पे. अब कंपैरिजन कैसे सॉरी अब रेशियो कैसे बनेगा 3:6:2:5:10:5:5:25. ये हो गया मेरा रेशियो. बच्चों रेशियो मतलब क्या हो गया वर्क पर डे.
सो ए का वर्गफल हो गया 6, बी का हो गया 10 और सी का हो गया 25, सही है। अब रेशियो के बाद क्या मिलता है हमें, टोटल वर्क निकालना है, वो वाला है सी दो दिन में काम कंप्लीट करता है, सी एक दिन में 25 सीटें लगाता है बच्चों, तो दो दिन में कितना लगाएगा 25 वर्क पर डे इंटू टू डेज, मतलब 50 सीटों का काम है, सही। अब मुझे पूछ रहा है ए अकेला वही काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितने में लगाता है 6, सो देयरफॉर ए अलोन वुड टेक 50 वर्क अपॉन हाउ मच 6, है ना, 6 वर्क पर डे, देखो डब्ल्यू कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया 25/3, मतलब ही 3 8s are 24, रिमाइंडर 1, सो आंसर इज 8 1/3 days, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। रेशियो कैसे जोड़ना बता चुका था, वापस बता देता हूं बच्चों, ज़िगज़ैग मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है 3 into 2, 2 into 5, 5 into 5, मैंने बनाया रेशियो, रेशियो मेरा बना वर्क पर डे, उसके बाद हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क, टोटल को डिवाइड बाय क्वेश्चन, यू गेट सॉल्यूशन, क्लियर। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एज अ गुड वर्कमैन एज बी एंड बी इज थ्राइस एज अ गुड वर्कमैन एज सी, ठीक है लिख लेंगे, गुड वर्कमैन मतलब भी एफिशिएंसी की बात हो रही है, सो ए इज इक्वल टू व्हाट, टू बी, लिख लेता हूं मैं, वर्क एफिशिएंसी रेशियो की बात हो रही है, ए इज इक्वल टू 2b एंड बी इज थ्राइस एज अ गुड वर्कमैन एज सी, मतलब बी इज इक्वल टू 3c, इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 3 डेज, एज आई सेड, लिख लेंगे ए एंड बी साथ में पूरा काम 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, देन सी अलोन can complete the same work in how many days? आसान है बच्चों, इसका रेशियो बनाएंगे, a is to b का रेशियो क्या बन जाएगा मेरा यहां से 2 is to 1 का, वैसे यहां से रेशियो बनाएंगे b is to c का रेशियो क्या बन जाएगा 3 is to 1, ओके okay? अब इससे हम लोग क्या जोड़ देंगे, a is to b is to c, that is 6 is to 3 into 1 3, 1 into 1 1, जो रेशियो है वही मेरा वर्क पर डे है, मतलब a का वर्क पर डे कितना आ जाएगा 6, बी का कितना हो जाएगा 3 एंड सी का कितना हो जाएगा 1, सही है। इसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, ए एंड बी पूरा काम 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, सो बच्चों टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जब ए एंड बी 3 दिन काम करेंगे, ए एंड बी मिलके एक दिन में लगाते हैं 6 और 3 9 घंटे, 3 दिन लगाएंगे तो काम कंप्लीट होगा, मतलब 27 घंटों का काम है। अब यही काम सी कितने दिन में करेगा पूछ रहे हैं, तो बच्चों सी अलोन टोटल वर्क डिवाइड बाय क्वेश्चन 1 वर्क पर डे, सो माय आंसर इज 27 डेज, क्लियर। ये वो क्वेश्चन हो गए जिसमें हमको दो रेशियोज को जोड़ना है, ओके देखते और एक कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, हम लोग लिखते चलेंगे गिवन, A is 50% मतलब ही 1 by 2 हो गया, 1 by 2 of B, यानी A upon B is equal to क्या आ गया बेटा 1 upon 2, ये मेरा क्या आ गया work efficiency ratio, ओके आगे वो लिखते हैं C does half the work done by A and B together, मतलब C is equal to half the work done by together, A and B together, मतलब C upon A plus B का ratio क्या बेटा 1 upon 2 है, सही है। आगे देखते हैं, if C alone does the work in 20 days, सी पूरा काम 20 डेज में करने वाला है और पूछ रहे हैं ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन हाउ मच टाइम, ओके देखिए बच्चों कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताइए, ये मुझे रेशियो मिल गया, रेशियो मतलब मेरा क्या हो गया वर्क पर डे, मतलब ए का हो गया 1 वर्क पर डे और बी का हो गया 2 वर्क पर डे, सही है। अब इसी से देखो मुझे सी का वर्क पर डे मिल जाएगा, तो बच्चों सी का वर्क पर डे कैसे पता चलेगा, अभी सी इज इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी का वर्क पर डे कितना आ जाएगा 3 वर्क पर डे, मतलब कितना है बच्चों 3/2 वर्क पर डे, सही है। अब मुझे ए का वर्क पर डे पता है, बी का पता है, सी का भी पता चल गया, अब वर्क पर डे के बाद क्या निकालते हैं, टोटल वर्क, है ना, सी पूरा काम कितने दिन में करने वाला था 20 दिन में, सो बच्चों सी पूरा काम करेगा 20 दिन में, सी का वर्क पर डे कितना है 3/2, सो लिख देंगे 3/2 वर्क पर डे इनटू 20 डेज 2 10, सो ये आ गया 30 वर्क, ये मेरा क्या आ गया टोटल वर्क, पूछ क्या रहा है टुगेदर कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज,
सो बच्चों क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, टोटल ओवर डिवाइड बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, बच्चों देखो कैसे करेंगे, 30 अपॉन ए का ऊपर बच्चों 1, बी का 2 प्लस 3 बाय 2 है ना। अब इसको हम लोग देखो 1 प्लस 2 3 हो गया, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, सो बच्चे हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 9 बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा देखो 30 इंटू 2 अपॉन 9, 3 3 जा 3 10 जा यानी कितना आ गया 20 अपॉन 3 डेज। क्लियर, एक बार वापस आपके लिए रिवाइज करके देता हूं, क्या बोला था बच्चों, ए इज 50% एफिशिएंट देन बी, मतलब ए अपॉन बी इज 1 बाय 2, ये ऊपर आ गया। फिर कहा गया था आगे जाके कि सी जो है वो हाफ वर्क करता है जब ए एंड बी साथ में काम करेंगे उससे, सो ए एंड बी का वर्क पर डे 1 बाय 2 मतलब 3, सो सी का वर्क पर डे कितना जाएगा बच्चों 3 बाय 2 वर्क पर डे, सही है। अब बताइए टोटल वर्क क्या आएगा, सी इंटू 20 डेज, इसका कितना था 3 वर्क पर डे, पुट किया मुझे टोटल वर्क मिल गया, टोटल वर्क डिवाइड बाय क्वेश्चन यू गेट सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन और भी कई मेथड से सॉल्व होता है, आपको अगर और भी कोई मेथड समझ में आ रही है, देखो थोड़ी बड़ी होगी पर आप जो बोल रहे हो मेथड, अगर आपको कुछ और भी मेथड पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। देखिए ये सारे क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट जुड़ने वाला है आगे से टाइम रेशियो का, जब मैं वहां जाऊंगा तो ये क्वेश्चन का और भी अल्टरनेटिव मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंकित कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, राइट हियर अंकित पूरा काम कर रहा है 20 डेज में, निखिल एंड प्रणव टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 10 डेज, निखिल एंड प्रणव 10 डेज में वही काम कंप्लीट करते हैं। कुछ याद आ रहा होगा आपको, जब भी एक काम कुछ अलग अलग दिन में होता है तो हम किससे अप्लाई करते हैं, एलसीएम मेथड को है ना, आगे देखते हैं कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। इफ द रेशियो एफिशिएंसी ऑफ निखिल एंड प्रणव, निखिल एंड प्रणव का वर्क एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है हमें 1:3, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल थ्री टू कंप्लीट द सेम वर्क सेम जॉब वर्किंग टुगेदर, देखिए कैसे करेंगे। मुझे बताइए एक बात, एक कुछ काम कुछ दिन में कर रहा है और ये दोनों वही काम कुछ अलग दिन में कर रहे हैं, हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम मेथड से। ऐसा जहां पे भी दिखा, हम कोई भी टाइप पे हो, बिल्कुल आप सबसे पहले एलसीएम और वर्क पर डे निकाल ही लो, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है देखो बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा 20 है ना, फिर वर्क पर डे बताइए कितना जाएगा अंकित का वर्क पर डे 1, और निखिल और प्रणव का वर्क पर डे कितना जाएगा 2 वर्क पर डे, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, निखिल और प्रणव का वर्क एफिशिएंसी रेशियो तो 1:3 है, इसमें x पुट कर दिया तो ये वैल्यूज बन जाएगी, बट निखिल प्लस प्रणव का वर्क पर डे मिलकर कितना है 2, मतलब मैं क्या कंपेयर कर सकता हूं, देखिए निखिल प्लस प्रणव है 2 वर्क पर डे और इनका एडिशन भी वही आना चाहिए 1x + 3x = 2 वर्क पर डे, सो बच्चों 4x = क्या आ गया 2 वर्क पर डे, सो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, सही है। अगर x 1/2 आ गया तो मुझे यहां निखिल की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई, तो बच्चों निखिल का वर्क पर डे कितना आ जाएगा हाफ वर्क पर डे होगा और प्रणव का वर्क पर डे कितना आ जाएगा 3/2 वर्क पर डे, सही है। अब मुझे क्या पूछ रहे हैं, सब मिला के सबका वर्क पर डे कितना होगा है ना, अंकित का तो पता ही चल चुका है हमें कितना होगा 1 वर्क पर डे, सो अभी मुझे बताइए टोटल वर्क निकालना बचा है अभी है ना, टोटल वर्क को निकाल लिए कितना है 20, सो बच्चों टोटल वर्क है 20 और यही वर्क निखिल प्रणव और अंकित कितने दिन में करेंगे पूछा था, मतलब 1 + 1/2 + 3/2, सही है। सोचिए अभी क्या करना पड़ेगा एलसीएम, तो बताइए ऊपर कितना है मिला 20, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 2 का, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, मतलब हो जाएगा यहां पे 6 और ये ऊपर आ जाएगा 2, सही है। तो 2 3 6 यानी 20/3, मतलब आंसर क्या आएगा 3 6 18 और 2, मतलब माय आंसर इज 6 2/3 डेज। क्लियर, आप लोगों को भी ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और अच्छे समझ में आएंगे, आप बस प्रैक्टिस करिएगा जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, आई रिक्वेस्ट फॉर दिस। बच्चों इससे भी कई वैरायटी क्वेश्चंस मैं क्लासेस में भी लूंगा और आपको भी आने जाने हो जाएंगे। ओके सो प्लीज आप ध्यान दें, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की लेवल थोड़ी अप करते जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राहुल अलोन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, राइट हियर राहुल पूरा काम करते हैं 16 दिन में, जयाज एफिशिएंसी इज 20% लेस देन दैट ऑफ राहुल,
जब भी कंपैरिजन परसेंट में होगा जिनके साथ कंपेयर होता है उसे हम हमेशा 100 कंसीडर करेंगे। सो बच्चों अगर राहुल 100 है तो जो जया होगी वो उनकी 20% से लेस एफिशिएंसी मतलब कितना हो जाएगा 80। तो बच्चों का रेशियो क्या हो जाएगा सीधा 5:4। ये काहे का रेशियो है वर्क एफिशिएंसी रेशियो ऑफ राहुल और जया। आगे वो कहते हैं मयूर एंड जया टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। मयूर एंड जया टुगेदर डू द सेम वर्क इन 12 डेज। पूछ रहे हो देन फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ मयूर टू दैट ऑफ राहुल। मुझे पूछा हुआ है वर्क एफिशिएंसी रेशियो ऑफ मयूर टू दैट ऑफ राहुल। ठीक है शुरू करते हैं इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। देखिएगा ये पैटर्न दिखा तकिया कलम याद आ जाना चाहिए कि सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क। सो बच्चों 16 12 का एलसीएम कितना आएगा 48। ये मेरा हो गया टोटल वर्क। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका पूरा बकायदा एक वीडियो बना हुआ है हाउ टू फाइंड एलसीएम इन फ्रैक्शन। सो प्लीज आप उसे जाके देखिए अगर नहीं देखा हुआ। बच्चों इसके बाद क्या निकालेंगे वर्क पर डे कितना जाएगा इनका 3 वर्क पर डे हो जाएगा और इनका हो जाएगा कितना 4 वर्क पर डे। क्लियर। अब एक बात बताइए बच्चों राहुल और जया का 5:4 मुझे वर्क एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है सही है पर राहुल का परफेक्ट वर्क पर डे आया हुआ है मेरे पास कितना है 3। मतलब मैं राहुल की जगह क्या लिख सकता हूं 3 वर्क पर डे अपॉन जया इज इक्वल्स टू 5/4। तो इससे मुझे जया का वर्क पर डे मिल जाएगा। कैसा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा ये जया का वर्क पर डे हो जाएगा बच्चों 4 3 12 अपॉन 5। सो 12/5 ये क्या हो गया जया का वर्क पर डे हो गया। अब जया का वर्क पर डे अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे मयूर का वर्क पर डे पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे मयूर प्लस जया इक्वल्स टू 4 वर्क पर डे। सो मयूर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 - 12/5 5 4 20 20 - 12 यानी 8 सो जाएगा 8/5 वर्क पर डे। सही है मुझे गिनती का पूछा था मयूर अपॉन राहुल मुझे मयूर का वर्क पर डे मिल गया और राहुल का वर्क पर डे पता है। सो बच्चों मयूर अपॉन राहुल का वर्क पर डे हो जाएगा 8/5/3 है ना। मतलब कितना जाएगा 8/5 नीचे आ जाएगा मतलब 15। ये मेरा हो गया मयूर अपॉन राहुल का वर्क एफिशिएंसी का रेशियो। बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ के पेपर्स में जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में कुछ ऐसे आते हैं। देखिए यहां पे टाइप 1 भी ढंग से नहीं दिया हुआ पूरा ना आपको टाइप 4 ढंग से दिया हुआ है पर जिसने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए वो देखो मैंने कुछ भी अलग ऐसी बात नहीं की जो आपको अभी तक पढ़ाई नहीं है। सो मैं आपको यही समझा रहा हूं बस प्रैक्टिस करते रहे और भी वैरायटी क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपका वीजे और कॉन्सेप्ट दोनों स्ट्रांग होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। लिख के दिया हुआ है ए पूरा काम 9 दिन में कर रहा है और बी पूरा काम 18 दिन में कर रहा है। As they were ill, they could do 90% and 72% of their efficiency respectively. How many days will they take to complete the work together? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है बच्चों ये तो क्लियर हो गया आपको ए पूरा काम 9 दिन में बी पूरा काम 18 दिन में तो हम अप्लाई करने वाले हैं टोटल वर्क वाला कॉन्सेप्ट। चलो पहले वो बात कर लेते हैं आगे क्या दिया है ना वो बात भी देखना। पहले जो हम लोग क्या निकालते हैं टोटल वर्क और वर्क पर डे पहले निकाल ही लेना उसके बाद ही रिमेनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो बताइए एलसीएम कितना जाएगा बच्चों अलग कलर के पेन से लिखता हूं आपके लिए कितना जाएगा 18 आएगा 9 और 18 का 18। समझो ए का कितना जाएगा 2 वर्क पर डे और यहां आ जाएगा 1 वर्क पर डे। ए की एफिशिएंसी है एक दिन में 2 की और बी की एफिशिएंसी है एक दिन में 1 की कब जब वो तंदुरुस्त है ठीक है। अब वो है उनकी तबीयत खराब तो अभी आपकी एफिशिएंसी उनकी सॉरी तो उनकी एफिशिएंसी कम हो गई। अब ए 90% ऑफ एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं मतलब जो उनका वो एफिशिएंसी है मतलब 2 वर्क पर डे उसका 90% मतलब ये 9 2 18 मतलब 1.8 वर्क पर डे वो कर रहा है। वैसे बी कितने परसेंट पे कर रहा है 72% ऑफ हिज एफिशिएंसी यानी 1 वर्क पर डे मतलब 0.72 वर्क पर डे पे कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि ये टोटल वर्क ये दोनों इस हालात में कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आसान सा 18 वर्क अपॉन ऐड कर लेंगे इनको 1.8 प्लस 0.72 वर्क पर डे ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा ये 18 अपॉन 1.8 प्लस 0.72 वुड बी 2.5 सो 2.52 आ गया है ना डेज। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे
ये पॉइंट में हटा देता हूं, ऊपर आ जाएगा 100, ठीक है। अब मैं इसे कट करता हूं, देखिए 252 है, 4 से करता हूं मैं, 4 6 24 रिमाइंडर 1, 4 3 12, 4 25 सा 9 2 सा 9 7 सा, सो क्या बचता है 25 2 सा 50 अपॉन 7 डेज, आंसर भी स्पेशल में दिया हुआ है, 7 7 सा 49 रिमाइंडर 1, तो आंसर 7 1 अपॉन 7 डेज, क्लियर। ये एफिशिएंसी है, इतने एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, डिवाइड किया, आई गॉट माय आंसर, क्लियर। अब इसी में थोड़ा और हायर लेवल चलते हैं, यहां तो स्पेसिफाई किया है ए पूरा काम 9 दिन में, बी पूरा काम 18 दिन में, अब इसी का हायर लेवल कैसा वो भी देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 डेज, ठीक है। इतने से मैं ये लिख सकता हूं ए प्लस बी पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। If A work twice as efficient as he actually did, मतलब जो भी उसका efficiency होगा उससे अगर उसने दुगना काम किया, and B worked one third as efficient as he actually did, मतलब उसके one third जितना work किया, the work would have been completed in 3 days. Full stop. A alone could complete the work in question mark. ठीक है? अब कैसे operate होगा ये question? देखिए previous question में mentioned था हमें कि ए पूरा काम 9 दिन में करता है और बी पूरा काम 18 दिन में करता है, तो हम टोटल वर्क निकाल पाए थे, वर्क पर डे निकाल पाए थे, यहां हमें बोला ही कुछ भी नहीं, हमें बस बोला है ए प्लस बी पूरा काम 5 दिन में करते हैं और ए अगर अपने से दुगना एफिशिएंसी से काम करेगा और बी अगर अपने 1/3 एफिशिएंसी में काम करेगा तो काम 3 दिन में कंप्लीट होगा। देखिए इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके बच्चों, इससे भी टाइप 1 से सॉल्व कर सकते, देखो कैसे वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए लेट कंसीडर कि ए पूरा काम ए दिन में करता है स्मॉल ए में और बी पूरा काम स्मॉल बी डेज में करता है, ठीक है। तो हम लोग ए एक काम ए डेज में करता है और बी वही काम बी डेज में करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क पर डे, तो बोलो बच्चों वर्क पर डे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए, मैं लिख ही देता हूं आप लोग के लिए, ए बी अपॉन ए यानी बी वर्क पर डे, और इनका कितना आएगा ए बी अपॉन बी यानी ए वर्क पर डे, ये ए का वर्क पर डे और ये बी का वर्क पर डे आ गया, है ना। अब हमें क्या बोला है ए कितने एफिशिएंसी में काम कर रहा था, उसके डबल मतलब 2 × b मतलब 2b एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सही है। और जो बी है वो कितने फिर से काम कर रहा था 1/3 यानी a इंटू 1/3 मतलब a बाई 3 वर्क पर डे वो इस एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b। अब हमें क्या बोला है टोटल वर्क a एंड b 5 दिन में करते हैं, तो बच्चों टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए इनका वर्क एफिशिएंसी कितना है b प्लस a इंटू 5 डेज, ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क, सही। अब हमें क्या बोला है ये जब इस एफिशिएंसी से काम करते हैं तो 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, इसी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो दैट 2b प्लस a बाय 3 अगर 3 दिन करते हैं तो ये इतना काम कंप्लीट करते होंगे, टोटल वर्क है ना ये कंप्लीट होता है, तो मतलब क्या लिखेंगे हम लोग 5b प्लस 5a, सही है। सॉल्व करते हैं 3 अंदर चला जाएगा कितना हो जाएगा, देखो 6b प्लस ए इक्वल्स टू 5b प्लस 5a मतलब b इज इक्वल्स टू 4a मतलब b अपॉन a का रेशियो आ गया 4:1 मतलब b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1, इससे मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए तो बच्चों टोटल वर्क कितना आ जाएगा, मेरा टोटल वर्क आ जाएगा 4+1 मतलब लिख लेता हूं 4+1 × 5 मतलब 25, ये मेरा क्या आ गया टोटल वर्क। अब मुझे पूछा क्या है कि यही टोटल वर्क ए अकेला कितने दिन में करेगा, है ना। अब मुझे बताइए बच्चों यहां पे कि जो बी है ये किसकी वैल्यू है, ए की है ना, और ये ए की वैल्यू कौन सी है, ए वर्क पर डे लिखा ना, ये बी का वैल्यू मुझे पूछा है ए अलोन कितने दिन में करता है, तो 25 वर्क अपॉन बी वर्क पर डे मतलब 4 मतलब आंसर हो जाएगा 25 by 4 यानी 4
6 and 1. 6 1 upon 4 days. Clear? देखिए थोड़ा सा हायर लेवल था ही, बट बच्चों मैं आपको बस एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि देखो आपको विजन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपको ऑफिसर लेवल के एग्जाम क्रैक करनी है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको जानबूझ के जोड़ के दे रहा हूं एक टाइप में बना के, जिससे हमें आइडिया क्लियर हो कि जो हम पढ़ रहे हो कितने जगह पे और कैसे कैसे ऑपरेट हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं तो वीडियो पॉज करें, रिवाइंड करें, वापस देखें। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, दिए हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करें, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपके तरफ जरूर पहुंचूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करके दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए एंड बी कैन डू वर्क इन 20 डेज, बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 50 डेज। चलो लिख लेते हैं, ए एंड बी 12 डेज, ए एंड बी 12 डेज and B and C can do it in 15 days. If A's efficiency is twice that of C, मतलब A equals to 2C, यानी A upon C is equals to 2 is to 1 work per day. ठीक है? Then the days required for B alone to finish the work. B alone वही काम कितने दिन में करेगा पूछा है. Okay? बच्चों कैसे ऑपरेट करेंगे? आपके अंदर से आवाज आना चाहिए, सर हम LCM मेथड से जाएंगे। सबसे पहले 12-15 LCM हो जाएगा 60, इसके बाद वर्क पर डे 60 अपॉन 12 मतलब हो जाएगा 5 वर्क पर डे, 60 अपॉन 15 मतलब हो जाएगा 4 वर्क पर डे। बच्चों अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे बी तक पहुंचना है बच्चों, मेरे पास इतना इतना गिवन है जो आपके आपके सामने है ना। सो मैं देखो क्या सोचता हूं, मुझे ए और सी का वर्क पर डे पता है, इसलिए मैं क्या बोला हम इसे ऐड करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9 वर्क पर डे is equals to A plus 2B plus C. अब A और C का वर्क पर डे 2 और 1, so ये मिलके हो जाएगा 2 और 1 यानी 3. So क्या लिखेंगे, 9 वर्क पर डे equals to 3 plus 2B, so 2B is equals to आ जाएगा 6 वर्क पर डे, so B is equals to कितना आएगा, 3 वर्क पर डे। सही है, अब मेरे पास B का वर्क पर डे आ गया और मुझे बोला है B अकेला पूरा काम, पूरा काम मतलब LCM दैट इज 60 कितने दिन में करेगा। Therefore B alone बच्चों क्या लिखेंगे, 60 वर्क अपॉन 3 वर्क पर डे, आंसर वुड बी 20 डेज। समझ में आया? ये सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो वर्क एफिशिएंसी रेशियो में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, वो कैसा है वो भी देखेंगे। इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे। नेक्स्ट देखिए, सचिन इज 25% मोर एफिशिएंट देन विराट, कंपैरिजन हुआ है, दे टुगेदर स्टार्ट अ वर्क एंड इट इज नोटेड दैट 9/28 ऑफ टोटल वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 5 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच सचिन कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। ठीक है, सबसे पहले कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन ये परसेंटेज में हुआ जिसके साथ होगा मतलब विराट के साथ, उसके बाद कंसीडर करेंगे 100, तो जो सचिन है उससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है, 100 प्लस 25 यानी हो जाएगा 125%, ये मेरा आ जाएगा रेशियो, रेशियो हो जाएगा 4/5 मतलब ये मेरा हो गया वर्क पर डे। अब इसके बाद की जो कंडीशन है वो आपके लिए एकदम नई सी है, वो अभी तक के क्वेश्चंस में नहीं देखी गई, पढ़ते उसको क्या है समझ में भी आ जाएगी। बोलते हैं They together start the work and it is noted that 9/28 of total work is completed in 5 days. So, बच्चों जो भी विराट और सचिन मिलके काम करते हैं 5 दिन में वो 9/28 है, जो भी टोटल वर्क है ना उसका 9/28 है। बच्चों विराट और सचिन एक दिन में कितना काम करते हैं, विराट और सचिन एक दिन में काम करते हैं 4+5 यानी 9 वर्क पर डे। So, बच्चों 5 दिन में उन्होंने कितने इंटू का काम किया होगा, सॉरी इटे नहीं आएगी, कुछ भी वो पकड़ लेते हैं। So, बच्चों यहां पे 5 दिन में कितना काम होगा, 5 × 9 वर्क पर डे यानी 45। ठीक है, और ये जो 45 वर्क है ये टोटल वर्क का 9/28 है। सही है, सो मुझे पूरा वर्क जानना है तो कैसे करूंगा, 45 अगर 9/28 है तो पूरा मतलब कितना, अब करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो जाएगा 45 × 1/9 × 28, ये ऊपर चला जाएगा 9 5
28 इनटू क्या करेंगे 5, सो 28 5 आ जाएगा बच्चों 140 वर्क। ये मेरा टोटल वर्क आ गया। मुझे पूछा है ये टोटल वर्क सचिन अकेला कितने दिन में करेगा, तो बच्चों क्या लिखेंगे टोटल वर्क, सॉरी सचिन अलोन कैन डू द सेम वर्क डिवाइड बाय क्या आएगा, सचिन का वर्क पर डे कितना है 5, सो 5 वर्क पर डे, सो आंसर आ जाएगा कितना 28 डेज। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को वर्क एफिशिएंसी रेशियो का कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, वर्क एफिशिएंसी रेशियो में हमें रेशियो मिलेगा, रेशियो मतलब हमारा होगा वर्क पर डे, फिर वहां से हम निकालेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाय क्वेश्चन यू गेट सॉल्यूशन। उसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस थे, वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश किया। सो बच्चों ये था हमारा वर्क एफिशिएंसी रेशियो। इसके बाद इसी का पार्ट 2 होता है प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस, मतलब जो पैसा वर्कर्स को देते हैं वो, एंड टाइम रेशियो वाले कांसेप्ट्स। बच्चों ये वीडियो ही बड़ा लंबा बन गया, वो क्वेश्चंस अगर मैं इसमें डालता तो आप लोग प्रॉब्लम कंफ्यूज हो जाते। सो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा क्लास दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम रेशियो। आई होप आपको आज जो पढ़ा है समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।